वहीं अगली खबर जनपद नैनीताल से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रविवार को राजभवन में एआई तकनीक के प्रयोग से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि मैत्री केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम नवाचार को साकार करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक ज्ञान और सहायता पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस चैटबॉट के माध्यम से हमारी भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हुए उपयोगकर्ता अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे और विभिन्न जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में एआई को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसके तहत मैत्री चैटबॉट एआई तकनीक से युक्त एक अभिनव प्रयास है, जिसमें राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन, अपर सचिव स्वाति एस भदौरिया समेत वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज राजभवन के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गवर्नर्स बॉट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम मैत्री रखा है, जिसके अंदर में खुद ही आर्टिफिशियल वर्ड शामिल है। ये जो चैटबॉट है, ये हमारे उत्तराखंड के बेटे सिद्धार्थ माधव ने बनाया है। इसकी उम्र अभी टीन्स में है, अभी 20 भी उम्र नहीं हुई है, और इन्होंने जो चैटबॉट बनाया है वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार भारत और उत्तराखंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल के क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़े कदम ले रहा है। ये जो चैटबॉट बनाया है, ये बिल्कुल टॉप ऑफ द शेल्फ की काबिलियत रखता है, और इसके अंदर में जो रिस्पांस सीक करने के लिए ना एक टेक्सचुअल लेकिन ऑडियो रिस्पांस भी करता है, और इसके अंदर में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस प्रकार से पूरे ज्ञान और विज्ञान को इकट्ठा करके हमारे हरेक प्रॉब्लम्स, चैलेंज या इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं ज्ञान के क्षेत्र में, उसको किस प्रकार किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चैटबॉट बनाया है, इसके अंदर में स्केलेबल है, एक्सपेंडेबल है, और इसके अंदर में समय समय के ऊपर में और भी इम्प्रूवमेंट की जाएंगी।